पहले सुशांत सिंह राजपूत और अब उनकी दोस्त आखिर क्यों दुनिया छोड़कर जा रहे हैं ये सितारे? क्यों लगाई सुशांत सिंह राजपूत की सबसे करीबी दोस्त वैशाली ठाकुर ने फांसी? सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त ने दुनिया को कहा अलविदा, बॉलीवुड में हंगामा। सुशांत सिंह राजपूत की तरह वैशाली ठाकुर ने क्यों उठाया खौफनाक कदम? किसका है इन सब के पीछे हाथ? एक तरफ जहां बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है, अब उसके बाद बॉलीवुड और टीवी जगत की मशहूर एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। ये अभिनेत्री सुशांत सिंह राजपूत के दिल के बेहद करीब थी। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों और किसके दबाव में ये खौफनाक कदम वैशाली ठक्कर ने उठाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में टीवी सीरियल कलाकार वैशाली ठक्कर ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बता दें कि वैशाली ठक्कर की आत्महत्या का मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के साई बाग कॉलोनी का है। कई साल से इंदौर में रह रही टीवी सीरियल कलाकार वैशाली ठक्कर ने अपने इंदौर स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ठक्कर ने स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस सीरियल में संजना का किरदार निभा रही थी वैशाली ठक्कर, जिससे वो बहुत फेमस हो गई थी। वहीं अभी तक वैशाली के 5 प्रेम प्रसंग भी सामने आए। बताते चले कि वैशाली ठक्कर टीवी के उन सितारों में से एक हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को अच्छे से जानती थी। सुशांत की मौत के बाद वैशाली ठक्कर ने भी आवाज उठाई थी। वैशाली ने सुशांत की मौत को मर्डर करार दिया था। वैशाली ने दावा किया था कि रिया चक्रवर्ती की वजह से ही सुशांत की मौत हुई है। हालांकि वैशाली ठक्कर उस समय ये नहीं जानती थी कि वो भी सुशांत की तरह इतना भयावह कदम उठाने वाली। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि वैशाली ठक्कर अब इस दुनिया में नहीं। वैशाली ठक्कर ने अपने करियर की शुरुआत एंकरिंग से की थी। साल 2015 में उन्हें स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता में संजना का किरदार निभाने का मौका मिला। उन्होंने इस टेलीविजन शो में खूब प्रसिद्धि हासिल की। इस शो के बाद वो ये वादा रहा, ये है आशिकी, ससुराल सिमर का, सुपर सिस्टर, लाल इश्क और विश्क और अमृत में नजर आई थी। वैशाली के सबसे पॉपुलर किरदार ससुराल सिमर का अंजलि भारद्वाज का था, जिसके लिए उन्होंने गोल्ड पेटल अवार्ड्स के बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2019 में वैशाली टेलीविजन शो मनमोहिनी में नजर आ रही थी, जिसमें वो मानसी का किरदार निभा रही थी। टेलीविजन के अलावा वैशाली ने फिल्मों में जो भी काम किया। वैशाली मूल रूप से उज्जैन के महिदपुर के रहने वाली हैं। ये कोई फिल्मी कलाकारों का इस तरीके से आत्महत्या करना कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी कई कलाकार किसी न किसी वजह से अपनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में क्या हकीकत सामने आती है। पिछले साल अप्रैल के महीने में वैशाली ने सगाई की थी। एक्ट्रेस ने अपनी रोका सेरेमनी का वीडियो शेयर करके फैंस को गुड न्यूज दी थी। एक्ट्रेस की सगाई परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में हुई थी। हालांकि सगाई के एक महीने बाद ही वैशाली ने अपनी सगाई तोड़ दी और कहा था कि वो अब इस मंगेतर से शादी नहीं करेंगी। शादी कैंसिल करने के बाद वैशाली ने अपने रोका सेरेमनी का वीडियो भी सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट कर दिया था। वैशाली ने सुसाइड क्यों किया, ये सवाल हर किसी के मन में है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर वैशाली ने आत्महत्या करने की वजह क्या है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही कोई सुराग सामने आएगा। वैशाली ठक्कर की मौत की खबर ने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया है। वैशाली की आत्महत्या करने की खबर सामने आने के बाद एक्ट्रेस के तमाम फैंस और दोस्त सदमे में हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वैशाली अब हमारे बीच नहीं रही।